हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर सीए मोहित तापड़िया, आपका बड़ा भाई समझिए मुझे। और अब हमने जैसे कि आपको वादा किया था कि इस बार के बोर्ड एग्जाम से पहले हम एक बढ़िया से रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो हमने एक नई सी रिवीजन सीरीज स्टार्ट की जिसको हमने नाम दिया है रीस्टार्ट। इस रीस्टार्ट नाम के पीछे का मकसद ये है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है या भैया बहुत डर लग रहा है सर कुछ याद नहीं है, तो ये सीरीज आपके लिए एक रीस्टार्ट है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स वापस से अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा। आप खाली मेरे साथ बने रही है और ये सारे के सारे चैप्टर्स मैं आपके लिए फ्री में YouTube पे अवेलेबल करवाऊंगा। इस बार जो रीस्टार्ट सीरीज हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग हमारे स्पेसिफाइड नोट्स में से पढ़ने वाले हैं और ये नोट्स हम लोगों ने आपके लिए स्पेसिफिकली बनाए हैं। आप चाहे तो वीडियो के दौरान इसको पॉज करके आप आराम से नोट्स कॉपी कर लीजिए। अगर आप में से किसी को इन नोट्स की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं शेपर्स एडुकेशन से नाम से। आप चाहे तो टेलीग्राम अकाउंट हमारा, टेलीग्राम की चैनल हमारे फॉलो कर सकते हैं जहां पे हमने बहुत सारे कंटेंट आपके लिए फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं। और फिर भी अगर आप में से किसी को ये हार्ड कॉपी चाहिए तो ये नोट्स की हार्ड कॉपी आपको होम डिलीवर हो जाएगी। उसके लिए आपको सिर्फ हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम करना है। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा @shapersEducation, वहां पे जाके आप हमें डीएम करिए, हम आपको आपके पते पे ये पूरी की पूरी किताब की एक परफेक्ट हार्ड कॉपी आपको भिजवा देंगे। जिसको पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं है भैया कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहे तो यहाँ से सारे के सारे नोट्स में से पढ़ते रहिए मेरे साथ बैठ के, मैं आपको सारा कंटेंट यहीं पे फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। अब मैंने रीस्टार्ट सीरीज चालू की है पीछे से, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स कुछ बच्चों को अच्छा कॉन्फिडेंटली आते हैं, इसलिए मैंने पीछे से रीस्टार्ट सीरीज स्टार्ट की है। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर, 11th चैप्टर, जिसका नाम है इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन से इमर्जिंग इश्यूज है जिसको हम आज यहाँ पे देखने वाले, इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के दो पार्ट रहेंगे, पहले पार्ट के अंदर हम लोग इस चैप्टर की समरी समझेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपके लिए इस बुक के अंदर समरी भी है, पूरा चैप्टर है डिटेल में, फिर उसके नीचे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जिसमें एमसीक्यूज है, 1 mark 2 mark के आंसर्स है, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स भी। ये सब कुछ सारा मसाला एक किताब के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है इमर्जिंग इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा आता है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड माइग्रेशन। डेफिनेशन अच्छे से याद करते रहना बच्चा लोग, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर अ पर्टिकुलर पर्सन, जब एक पर्टिकुलर बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसे कहा जाता है माइग्रेशन। तो जब कभी भी एक पर्टिकुलर बंदा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसे कहा जाएगा माइग्रेशन। बट एक आदमी मूव क्यों करेगा, कुछ रीजंस के, जैसे कि अगर उसको नौकरी करना हो, उसको कोई पर्टिकुलर बिजनेस ऑक्यूपेशन करना हो, या कभी कभार अपने बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए भी लोग परमानेंटली मूव करते हैं, उसे कहा जाता है माइग्रेशन। प्लीज मेक श्योर ये माइग्रेशन परमानेंट नेचर का होता है। टेम्पररी अगर हम कहीं जा रहे हैं उसे माइग्रेशन में टूरिज्म कहा जाता है, भैया घूमने जा रहे हैं, दैट इज नॉट माइग्रेशन। सो अगर परमानेंट बेसिस पे होगा तो ही उसे माइग्रेशन कहा जाएगा, वरना उसे माइग्रेशन कहा जाता नहीं है। इसके बाद में हम देख रहे भैया माइग्रेशन के टाइप्स क्या है, तो माइग्रेशन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है प्लेस बेस्ड माइग्रेशन, जहां पे दो तरह के माइग्रेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, और दूसरा होता है रीजन बेस्ड माइग्रेशन। दूसरा रहेगा रीजन बेस्ड माइग्रेशन, जिसमें दो होते हैं, एक होता है पुल और एक होता है पुश। हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, वापस से समझिए मेरे साथ साथ लर्न करने की कोशिश कीजिए। पहला माइग्रेशन होता है प्लेस बेस्ड माइग्रेशन, जिसमें पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है इंटरनेशनल। इंटरनल मतलब होता है जहां पे हम लोग हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर अंदर मूव होते हैं, उसे कहा जाता है इंटरनल, और जब हम हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं उसे कहा जाता है इंटरनेशनल। मतलब अगर आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया की सरहद के अंदर अंदर माइग्रेट कर रहे हैं, भैया गुजरात से महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश चले गए, तो उसे कहा जाएगा इंटरनल माइग्रेशन। बट अगर आपने देश छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए, रीजन सेम होगा भैया, नौकरी होगी, ऑक्यूपेशन होगा, बिजनेस होगा या अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, बट उसे कहा जाएगा इंटरनेशनल माइग्रेशन।
तो माइग्रेशन दो तरह के रहेंगे, पहला इंटरनल माइग्रेशन जहां पे हम एक बंदे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं बट विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर अंदर, तो उसे कहा जाता है इंटरनल माइग्रेशन। जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं उसे कहा जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। रीजन बेस में दो आएंगे, पहला है पुल फैक्टर, दूसरा है पुश फैक्टर। देखो पुल मतलब खींचना, तो जब हम शहर से आकर्षित होके अट्रैक्ट होके हम शहरों में जाते हैं, हम देखते हैं भैया शहर में चमक धमक है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या लोग है, तो जब हम शहर से अट्रैक्ट होके शहरों में जाते हैं उसे कहा जाता है पुल फैक्टर, या उसे बोलते हैं पुल बेस्ड माइग्रेशन। जब हम वहां से अट्रैक्ट होके उनकी लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होके उनके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे अट्रैक्ट होके हम शहर जा रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए शहर जा रहे हैं, उसे कहा जाता है पुल फैक्टर। जबकि पुश फैक्टर क्या होता है, जब हमें गांव से धक्के मार के निकाला जाता है कि भैया जाओ शहर कमा के लाओ, पैसे कमा के लाओ, या हम मजबूरी से गांव छोड़ के शहरों में जब आते हैं उसे कहा जाता है पुश फैक्टर। सो पुश फैक्टर बेसिकली फोर्स्ड होता है, जबकि पुल फैक्टर एक आदमी अट्रैक्शन से जाता है। सो इस तरीके से हमने देखे कि माइग्रेशन के दो टाइप बेसिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन एक आदमी क्यों करता है, तो इसके भी अपने रीजन है माइग्रेशन करने के। एक आदमी माइग्रेशन करता है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ रीजन, जिसमें सबसे पहला रीजन आता है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस मतलब मैंने कहा था आपको नौकरी करनी हो, आपको बिजनेस करना हो, तो आपको माइग्रेशन करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक कॉजेस मतलब एक तरीके से या तो पैसे कमाना या अच्छी हेल्थ और फैसिलिटीज के लिए। दूसरा आ जाता है सोशल कॉजेस, जहां पे हम जाते हैं क्योंकि भैया शादी हो गई, ससुराल शहर में है, या किसी सोशल रिचुअल के तहत हमें शहरों में रहना पड़ रहा है, उस चक्कर में हम लोग जाते हैं, दैट इज सोशल कॉजेस। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस मतलब भैया हम जहां रहते हैं वहां पे अनरेस्ट है, दंगे हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, वहां पे रहना पॉसिबल नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा था उस जमाने में क्योंकि वहां पे उनका रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज पॉलिटिकल कॉजेस। एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल कॉजेस। कभी कभार वहां पे कोई भूकंप आ जाता है, कोई बाढ़ सुनामी आ जाती है, तब लोगों को वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस जिसके कारण लोग माइग्रेशन करते हैं। इसे हमने पहली कैटेगरी में डाला है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। उसके बाद में आता है इन माइग्रेशन से इफेक्ट क्या होता है, तो भैया दो इफेक्ट होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो अच्छा या तो बुरा। तो माइग्रेशन में भी पहला होता है पॉजिटिव इफेक्ट। क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, आपकी कमाई बढ़ेगी, सही बात है, आपको अच्छा अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, भैया देश का भी भला होगा, आपका भी भला होगा, बराबर है। बट इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। क्या है, सबसे पहला कि इतने ज्यादा लोग शहरों में आते तो शहर को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता, दैट इज अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। उसके बाद में हमारे पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लाखों की आबादी को हम शहरों में रख ले, तो ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है। एंड द लास्ट वन प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड सोशल इविल्स। जब सारे गांव के लोग शहर पहुंच जाते हैं तो वहां पे सोशल इविल्स और एनवायरमेंटल पोल्यूशन होने के चांसेस भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं।